Hello everyone, welcome to All in Engineers Career Point Chandigarh. My name is Manish Singh and today I'm going to start a new series that is Precise Series, and this word actually coined from precise word, correct? So this Precise Series, is Precise Series mein hum log kya karne wale hain ki complete engineering ka, like civil engineering, mechanical engineering aur electrical engineering, sare engineering ke jo complete theoretical part hai usko bahut hi precise form mein, concise form mein hum aapko yahan pe explain karenge. Hamare paas short notes hain, correct hai? Un short notes ko main explain karunga. Kyun iski zarurat padi to main aapko dosto ek information share kar dun कि स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट एग्जाम के, करेक्ट? और जब स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट एग्जाम का जो शेड्यूल होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है. सडनली एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, विद इन 3 to 4 मंथ वो एग्जाम हो जाते हैं, तो दैट टाइम इज नॉट इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, करेक्ट? तो उस टाइम पे एंटायर इंजीनियरिंग को रिवाइज करना, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें कुछ शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए जिससे हमारी प्रिपरेशन फास्ट हो सके. तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इसके लिए एक प्रॉपर सीरीज बनाई जाए जिसमें कंप्लीट इंजीनियरिंग को कवर करें, जिसमें शॉर्ट नोट्स हो और शॉर्ट नोट्स हो एक्सप्लेनेशन के सब फॉर्म में हो, करेक्ट? शॉर्ट नोट्स तो है चलो आपके पास, बट जब आप उसको रीड करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको लिंक नहीं कर पाते हो कि ये है क्या, करेक्ट? अगेन वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है एंड यू वेस्ट सो मेनी टाइम. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है. तो उस टाइम सेविंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक शॉर्ट नोट्स को एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वे में, इसको प्रॉपर एनालिसिस के फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कम टाइम में कंप्लीट इंजीनियरिंग का रिवीजन हो सके. और आप उसके बाद, क्योंकि दिस इज फर्स्ट स्टेज फॉर एनी प्रिपरेशन, करेक्ट? पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एंड देन आप मूव ऑन करोगे प्रैक्टिस के लिए, करेक्ट है? तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए तो अलग सीरीज रहती है. तो यहाँ पे हमने आपको शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिया सारा कंटेंट फॉर ऑल इंजीनियरिंग, करेक्ट? और उसके बाद आप पढ़ के फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. और प्रैक्टिस करने के बाद, करेक्ट, क्योंकि हमारे एक प्रिपरेशन की अगर मैं स्टेजेस की बात करूँ तो हमारे स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज दैट इज कि हाउ आपको प्रिपरेशन करना है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, करेक्ट? उसको रिवाइज करना है. उसको रिविजन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है कि उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, करेक्ट है? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब आपको एक्चुअली में पता चलता है कि कहाँ पे आपको डिफिकल्टीज आ रही है एंड हाउ टू ओवरकम दोज डिफिकल्टीज, करेक्ट? और प्रिपरेशन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज टेस्ट सीरीज, करेक्ट? तो टेस्ट सीरीज में हम अपने आप को जज करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे. तो अगर तीनों स्टेज में आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो, करेक्ट है, एंड ऑब्वियसली एट द लास्ट आपका फाइनल एग्जाम होगा, इंटरव्यू होंगे, तो ये कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन जर्नी होती है. एंड जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट योर पीडिया की टीम है, इसमें आपको हर स्टेज में हेल्प करने की कोशिश करेंगे. ऑब्वियसली एक ऐसा यूनिक मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जिसे हम प्रेसी मॉड्यूल नाम से जानते हैं, करेक्ट है? इस मॉड्यूल में हम क्या करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एनालिसिस और उसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल, करेक्ट है? जैसे एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली यू नीड 40 to 50 आवर्स, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि 3 to 4 मंथ में आपको प्रिपरेशन को बाइंड अप करना है और उतने कम टाइम में एंटायर सब्जेक्ट को 40 आवर्स दे के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो करेक्ट है? तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन फोर टू फाइव आवर्स एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विद प्रॉपर ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर दें, करेक्ट? और इसी तरीके से हम आने वाले और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे, करेक्ट है? तो ये जो लेक्चर आज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको वॉच करो और हमें फीडबैक दो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, करेक्ट है? उन फीडबैक्स के हेल्प से जो फर्दर हमें मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि ये बिगिनिंग है, आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर शुरुआत में ही अगर हमें फीडबैक मिलता है प्रॉपरली तो हम डेफिनेटली उसको मॉडिफाई करते जाएंगे, हमारी बैकएंड टीम उस पर वर्कआउट करेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी. तो 40 to 50 आवर्स का मैटर, 40 to 50 आवर्स का जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर 4 to 5 आवर्स में कवर करने वाले हैं. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा टाइम यहाँ पर बचने वाला है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाएगा प्रैक्टिस के लिए, करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो द फर्स्ट चैप्टर यू कैन सी द स्ट्रेंथ इन दिस इज मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, यू कैन सी इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. सो यू कैन सी हियर दीज आर द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी हियर दैट इज इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ, करेक्ट?
And if I talk about elasticity, so what is elasticity? Elasticity is the thing, but it is the property of material by virtue of which the material is deformed under the loading, and when you unload it, then it will regain their original shape and size. Then this is called as elasticity or elastic material. So you can see here, if I talk about perfect elastic material, so perfect elastic material are those materials which has when the body is regained its original shape 100%, then this is called as perfect elastic material. And what is elastic limit? So you can see here in this stress versus strain diagram. So you can see this is the point B point. This is elastic limit. Is it clear? This is This is elastic limit. Is it clear? And this is proportional limit, and this is lower yield point. So what is elastic limit? A critical value of load known as elastic limit marks the partial breakdown of the elasticity, beyond which removal of load results in degree of permanent deformation. Is it clear? Means it is the limit. You can see, if I talk about this limit, elastic limit, so ये एक ऐसा point है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ऐसा point है, ये एक ऐसी stress है, बियॉन्ड दिस स्ट्रेस अगर इससे ज़्यादा अगर आप लोड बढ़ाओगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर हम लोड इससे कम अप्लाई करेंगे तो मटेरियल 100% अनलोडिंग के टाइम पे रिकवर कर जाने वाला है. तो ये जो वही लिमिट है जिसके बियॉन्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. इज इट क्लियर? एंड नाउ यू कैन सी इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो हाउ टू डिफाइन स्ट्रेस? सो इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेस, देन सिंपली कैन आई से स्ट्रेस इज नथिंग बट this is intensity of internal resistance force, intensity of internal resistance force per unit area. This is called as stress, or simply you can say externally applied load upon area. So dosto, agar main is stress ki baat karu to you can see here, agar main jab bhi main p by a likhunga stress, then this is nothing but this is called as average stress. Ye kaun si stress hoti hai? This is called as average stress. Is it clear? अगर इन चैनल आपको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करना है, then this is simply written as delta P by delta A. Is it clear? This is generalized form of stress expression. मतलब कोई भी लोडिंग कंडीशन हो, किसी भी तरीके का लोडिंग कंडीशन हो, हर लोडिंग कंडीशन में ये फॉर्मूला आपका एलिजिबल होगा. Is it clear? But this, जब भी मैं ये रिलेशन लिखूंगा सिग्मा P फोर्स अपॉन एरिया, then this is nothing but it indicates average stress. Is it clear? Now similarly, if I see strain, how to define strain? So can I say strain is nothing but deformation per unit length? Deformation per unit length is called as strain. Generally होता क्या है कि suppose you, if you have a bar and if I apply a load, due to this load, this material get a deform. Yes or no? This material get a deform like this. This material get deform like this. So simply if I say, अगर हमारे पास 1 meter का bar है, means 1000 millimeter का कोई bar है, and in this bar we get a 10 millimeter expansion. Is it clear? 10 millimeter expansion. तो ये generalized form होता है जिसमें हम represent करते हैं expansion को. 1000 millimeter के bar में 10 millimeter का expansion है. Is it clear? लेकिन अगर यही bar 2000 millimeter का हो गया और load same apply करना है, तो how much strain actually occurs? ये हमें नहीं पता है. तो इसको हमें सिंप्लीफाइड करने के लिए एक रिलेशन लिखते हैं यहाँ पे कि अगर यही स्ट्रेन मैं पर यूनिट लेंथ में रिप्रेजेंट कर दूँ, लेट्स से 1 millimeter के बार में कितना स्ट्रेन एक्सपेंशन होगा, सो सिंपली कैन आई से दिस इज 10/1000, और सिंपली यू कैन से दिस इज डेल्टा एल बाई एल नॉट. यस आर नो? करेक्ट. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. एक्सपेंशन पर यूनिट लेंथ, एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. यस आर नो? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अब मैं इस बार की लेंथ कुछ भी लिख दूँ, लेट्स से 500 700 800 8000, कुछ भी लेंथ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मैं हर एक लेंथ में स्ट्रेन को पता कर सकता हूँ अंडर दिस लोडिंग. यस आर नो? अगर 500 है तो 500 × 10/1000 कर दो, आपको 5 millimeter का एक्सपेंशन मिल जाएगा. 700 है, 700 × 10/1000, यू विल गेट 7 millimeter. यस आर नो? तो इस तरीके से हम किसी भी लेंथ में स्ट्रेन को पता कर सकते हैं. अगर आपने सिर्फ इसे रिप्रेजेंट किया, देन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन करवाएगा हमसे. करेक्ट है? तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि एक्सपेंशन को क्यों ना हम पर यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट कर दें, जिससे किसी भी लेंथ के ऑब्जेक्ट में हम इजीली स्ट्रेन को फाइंड आउट कर सकते हैं. यस आर नो? सो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेन.
Is it clear? So strain is nothing but, strain is nothing but, this is chain deformation per unit length, this is called as strain. Is it clear? And remember, एक बात और हमेशा याद रखना कि strain जो होती है, this is experimental quantity. ये क्या होती है? This is a experimental quantity. This is a experimental quantity. और अगर मैं इसकी बात करूँ तो stress जो होती है, this is a theoretical quantity. This is theoretical quantity. This is theoretical quantity. Is it clear? Stress is a theoretical quantity. Strain is experimental quantity. क्यों मैं इसको theoretical quantity कह रहा हूँ? क्योंकि stress को measure करने के लिए अभी तक कोई device नहीं है जो directly stress को measure कर सके. हम load upon area के ratio से stress को पता करते हैं, जबकि strains को measure करने के लिए हमारे पास devices है जिनका जिसका नाम है strain gauge. क्या कहते हैं हम इसे? This is called a strain gauge. And unilateral tensile test जब हम करते हैं तो strain rosettes means different arrangement of strain gauges की help से strain को measure कर सकते हैं तीनों direction में, yes or no. So strain ऐसी quantity है जो measurable है, जिसे हम measure कर सकते हैं by using strain gauges, but stress को हम measure नहीं कर सकते हैं. It means strain is a experimental quantity, stress is a theoretical quantity. अब आप ऐसा तो नहीं हो सकते ना कि मैं strain को हमेशा experiment करके पता करूँ और stress को हमेशा theoretically. We need relationship between them. Stress और strain के बीच में अगर मुझे relation मिल जाए तो मैं easily theoretically stress strain और experimental stress strain दोनों ही तरीके से study कर सकता हूँ. Is it clear? So I think are you getting this point? Why we study stress strain relation, yes or no? क्यों हम इसको पढ़ते हैं? We need to determine stress theoretically, stress and strain both theoretically as well as experimentally. और ये तभी possible है जब हमें stress और strain के बीच में relation मिल जाए. और ये relation देने वाला कौन है? तो simply हम कह सकते हैं कि आपने एक law पढ़ा होगा, that is called as Hooke's law. आपने एक law पढ़ा होगा जिसे कहते हैं हम Hooke's law. Robert Hooke करके एक scientist थे जिन्होंने ये लॉ दिया, करेक्ट? रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया, करेक्ट है? और हुक्स लॉ क्या कहता है कि हुक्स लॉ इज नथिंग बट इट सेज दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. हुक्स ने ये लॉ दिया था. इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है, एक थॉमस यंग्स करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके आगे की स्टडी की. उन्होंने कहा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, मेरा कॉन्स्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, तो आपको एक एब्सोल्यूट रिलेशन मिल जाएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में. और जैसे ये रिलेशन मिल गया तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेन पता कर लूँ तो मैं स्ट्रेस को भी पता कर सकता हूँ. अगर मुझे थ्योरेटिकली स्ट्रेस पता चल गया तो मैं स्ट्रेन को भी थ्योरेटिकली पता कर सकता हूँ. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी नीड दिस रिलेशन. और इन दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो लिंकिंग है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. दिस इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. इस ई को क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस. इज इट क्लियर? This is called as Young's modulus, or simply you can say modulus of elasticity. This is also called as modulus of elasticity. Yes or no? अब क्वेश्चन आता है कि ये वैलिड कहाँ तक है. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर हम देखें तो this point is valid up to proportional limit. You can say this is proportional limit. Is it clear? This is proportional limit. So this relation is only valid up to proportional limit. So simply if I consider, can I say this is nothing but this is slope? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये, let's say if this angle is theta, तो can I say tan theta is nothing but this is delta sigma and this is delta e. So can I say this is delta sigma versus delta e and this is tan theta is nothing but this is slope of this curve and this slope of this curve is nothing but this is called as Young's modulus. This is called as Young's modulus. Is it clear? This is called as Young's modulus. तो हमने सिंपली यहाँ क्या देखा कि Young's modulus is nothing but it is the ratio of stress versus strain, or simply you can say it is the slope of stress strain curve up to proportional limit. Is it clear? And like this you can determine Young's modulus. Yes or no? इस तरीके से आप पता कर सकते हो. तो हमने क्या कहा कि Young's modulus is nothing but it is ratio of stress versus strain, दूसरा under elastic limit. ध्यान रखना क्या होना चाहिए, sorry, up to proportional limit, not elastic limit. Proportional limit तक stress versus strain का ratio क्या कहलाएगा? Young's modulus. या हम कह सकते हैं slope of stress strain curve up to proportional limit is called as Young's modulus. और हम कैसे तरीके से define कर सकते हैं? तो simply you can see here if I write Young's modulus is nothing but this is sigma upon E.
स्ट्रेन, वेर इज अ स्ट्रेन, दिस इज अ स्ट्रेन, ये क्या है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेन, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रेस। तो यहाँ से अगर हम फिर से डिफाइन करें कि हाउ टू डिफाइन यंग्स मॉडुलस, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू गेट यूनिट स्ट्रेन, इस यूनिट स्ट्रेन को ऑप्टेन करने के लिए हाउ मच स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। हायर द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग यूनिट स्ट्रेन, हायर विल बी द यंग्स मॉडुलस। तो एक पॉइंट याद रखना, जिस मटेरियल में यूनिट स्ट्रेन ऑप्टेन करने के लिए जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा वो मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। इज इट क्लियर? और अक्सर मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन रबर, एल्यूमिनियम एंड स्टील विच इज मोर इलास्टिक, सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर देते हैं सर रबर इज मोर इलास्टिक, देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टील इज मोर इलास्टिक देन एल्यूमिनियम एंड रबर, येस आर नो? स्टील इज मोर इलास्टिक देन एल्यूमिनियम एंड रबर, येस आर नो? क्यों? क्योंकि स्टील में यूनिट स्ट्रेन ऑप्टेन करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर एल्यूमिनियम एंड रबर मटेरियल, येस आर नो? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नाउ लेट्स सी, इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, वन मोर पॉइंट, करेक्ट, दैट इज ओ ए। वट डू यू मीन बाई ओ ए? वट डू मीन बाई ओ ए? वट डू मीन बाई ओ ए? सो यू कैन सी ओ ए इज नथिंग बट दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट बिफोर दिस पॉइंट। इफ यू लोड दिस मटेरियल एंड अनलोड इट, देन इट फॉलो सेम पाथ। हम मटेरियल को लोड करें, अनलोड करें, तो ये सेम पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि दिस पॉइंट बिलोंग्स टू अंडर इलास्टिक लिमिट। ए पॉइंट जो है वो अंडर इलास्टिक लिमिट है, और अंडर इलास्टिक लिमिट जब भी हम मटेरियल को लोड करके अनलोड करते हैं फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर लेता है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट नहीं रहता, कोई भी रेसिडुअल स्ट्रेंस यहाँ पे नहीं आती है। Is it clear? So you can see when a load is corresponding to a point A is gradually removed, the curve follows same path and disappears. And the strain disappears, and the known as elastic behavior of the material. And similarly, what about E? OE. OE. What do you mean by OE? So you can see, OE is nothing but, you can see here, OE is nothing but. OE is nothing but, you can see this is elastic limit, yes or no? This is elastic limit, but beyond this limit, if you load the material up to, let's say, up to point B, this is elastic limit. क्या है ये? This is elastic limit. इस limit के पहले तक 100% recovery possible थी, लेकिन जैसे beyond this point आप B से E को cross जैसे कर जाओगे तो आप enter कर जाओगे plastic region में, और plastic region में अगर हम material को, let's say हम इस region तक material को load किए और उसके बाद अनलोड करेंगे, तो ये से इस पाथ को फॉलो करने वाला है, ये सुनो, इस पाथ को फॉलो करने वाला है, और यहाँ पे जो स्ट्रेन मिल रही है, दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज द परमानेंट स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन, जिसे हम रेसिडुअल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, दिस इज प्लास्टिक स्ट्रेन जो ऑलरेडी यहाँ पे प्लास्टिकली डिफॉर्म होने की वजह से मिल चुका है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक स्ट्रेन विच इज कम्प्लीटली रिकवर्ड। दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन विच कैन बी रिकवर्ड। तो आपसे पूछता है कि हाउ मच टोटल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, हाउ मच स्ट्रेन स्टिल वी हैव, सो यू कैन से दिस इज अ स्ट्रेन, यस आर नो? एंड नाउ वन की पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ आई से द स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व बोथ आर पैरेलल टू इच अदर, सो सिंपली इफ आई से यंग्स मॉडुलस ऑफ अनडिफॉर्म्ड सैंपल इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ डिफॉर्म्ड सैंपल, तो यहां से एक और बात पता चली कि मटेरियल को डिफॉर्म करने से उसके यंग्स मॉडुलस में कोई चेंज नहीं आता है। ये याद रखना, स्लोप ऑफ दिस टू कर्व्स इज रिमेन सेम। आपने लोड किया उस टाइम आपको यंग्स मॉडुलस मिलेगा, अनलोड किया, करेक्ट है, तो अनलोडिंग और लोडिंग कर्व का अगर हम दोनों स्लोप देखें तो दोनों पैरेलल होंगे, इसका मतलब है कि यंग्स मॉडुलस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यस आर नो? और एक पॉइंट और इसी में मैं एक पॉइंट और यहां पे ऐड कर दे रहा हूं, लेट्स सी, अगर मैं अगेन यहां पर रीलोड करूं लाइक दिस, अगर मैं फिर से इसको रीलोड करूं तो क्या होने वाला है? इफ आई अगेन रीलोड इट, देन द यील्डिंग बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इसके पहले हमारे यील्ड पॉइंट्स कहीं यहां पे रहा होगा, करेक्ट है, दिस इज यील्ड पॉइंट, सो कैन आई से दिस इज SYT, और ये जो पॉइंट मिलेगा दिस इज SYT प्राइम,
तो दोस्तों अगर आप फिर से मतलब हमारे हम क्या करें, मेटल को डिफॉर्म करें अप टू सर्टेन प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद अनलोड कर रहे हैं, उसके बाद फिर से रिलोड कर रहे हैं टेंसाइल लोड अप्लाई करके, तो आप जब दोबारा रिलोड करेंगे तो जो आपका यील्डिंग स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, और ये जो कर्व है ये रिमेन सेम पाथ फॉलो करने वाला है। कर्व का नेचर कभी भी चेंज नहीं होने वाला, कर्व का पाथ चेंज नहीं होता है। मेटल को डिफॉर्म करके अनडिफॉर्म करके फिर से डिफॉर्म करने से कर्व का पाथ चेंज नहीं होता है, इट रिमेन फॉलो सेम पाथ। और अगर सपोज इसको यहाँ फ्रैक्चर होना था तो यहीं पे फ्रैक्चर होगा फिर से, ये फ्रैक्चर पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? अगर हम सैंपल को लोड करें, अनलोड करें, फिर से लोड करें, तो लोडिंग कहाँ तक कर रहे हैं? अप टू सर्टेन प्लास्टिक रीजन, उसके बाद फिर से अनलोड कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से रीलोड कर रहे हैं। जब हम रीलोड करते हैं तो फ्रैक्चर पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम, फ्रैक्चर पॉइंट इज रिमेन सेम। लेकिन जो यील्डिंग अब होने वाली है वो यहाँ से होने वाली है, ना कि इस पॉइंट से। ये जो यील्ड पॉइंट है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अनडिफॉर्म्ड सैंपल, और ये जो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड सैंपल। और आप यहाँ पे कह सकते हो कि एस वाई टी प्राइम जो है दिस इज ग्रेटर देन एस वाई टी, इट मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है दोस्तों? इसके कहने का मतलब है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। और अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। ये सर नो, मतलब मटेरियल को डिफॉर्म करके अगर हम अनलोड करें और फिर से रिलोड करें तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा फॉर डिफॉर्मेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। सो नेक्स्ट दिस इज होमोजेनिटी, अ मटेरियल इज कॉल्ड एज होमोजीनियस, अ मटेरियल इज सेट टू बी होमोजीनियस व्हेन इट हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द बॉडी। इज इट लाइक दिस, यू कैन सी हियर, सपोज यू हैव अ मटेरियल लाइक दिस एंड इफ आई कंसिडर अ पॉइंट, सो अलॉन्ग दैट अलॉन्ग लेट्स से दिस इज डायरेक्शन वन, सो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन वी हैव E1 इलास्टिक प्रॉपर्टी, हियर वी हैव E3 इलास्टिक प्रॉपर्टी, एंड हियर वी हैव E2 इलास्टिक प्रॉपर्टी। सो दीज आर द इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलॉन्ग 1, 2, and 3 डायरेक्शन। सो लेट्स से सपोज दिस इज पॉइंट ए, and now if I change point B, then you can see at this point again if I see the elastic properties along 1, 2 and 3 direction, then you will get same elastic property as we get in the previous one, yes or no? And similarly अगर इस C point की बात करो तो यहाँ पर भी आपको वही same मिलने वाला है, this is E1, this is E2 and this is E3, yes or no? तो यहाँ पर देख के हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी material homogeneous material कब कहलाता है? When the elastic properties are uniform throughout the material at a given direction, yes or no? The elastic properties are uniform throughout the material at a given direction, correct? It means the elastic properties are independent of position but depends upon direction, is it clear? Elastic properties jo hoti hai wo position pe depend nahi kar rahi hai. Ab yahan pe dekho, when we move from A to B, B to C, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द मटेरियल यू विल गेट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। सो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मटेरियल प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट आइसोट्रॉपिक, सो आइसोट्रॉपिक मीन्स सपोज यू हैव अ मटेरियल एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, इस पॉइंट में आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, everywhere you can get same elastic property, but when you change the position then you will get different elastic property, but us particular point mein kisi bhi direction mein chale jao everywhere you will get same elastic property. To yahan pe dekhne ko kya mil raha hai, elastic properties are independent of direction but depends upon position, matlab ek particular direction mein kisi bhi direction mein ek particular point pe kisi bhi direction mein aap chale jao everywhere you will get same elastic property, lekin agar position change karoge to elastic property change ho jane wali, yes or no? So this kind of material is called as isotropic property, and if I merge both the properties, that is homogeneous and isotropic, agar main baat karu homogeneous and isotropic ki, homogeneous and isotropic मतलब दोनों ही मटेरियल प्रॉपर्टी को हमने मर्ज कर दिया, अगर ऐसी कंडीशन अगर हम देखें तो इन दिस कंडीशन we get this kind of material properties. You can see, suppose this is our material and let's say this is a point A. अब आप किसी भी direction में चले हो, similarly यहाँ पर किसी भी point पर चले हो, everywhere you will get same elastic property irrespective of their direction or a position, yes or no?
किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पोजिशन में, कहीं भी चले एवरीवेयर यू कैन गेट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड दिस काइंड ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज होमोजीनियस एनिसोट्रॉपी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा एक अजम्पशंस होता है कि वी ऑलवेज कंसिडर अवर मटेरियल एज होमोजीनियस एनिसोट्रॉपिक. इट्स इट क्लियर? हर जगह सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिलने वाली है. नेक्स्ट है एनाइसोट्रॉपिक. व्हाट इज एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल? अवर मटेरियल विच इज सेट टू बी एनाइसोट्रॉपिक व्हेन वी गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर हर एक डायरेक्शन में आपको डिफरेंट, यू कैन सी इट पजेस डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन. अगर कोई भी मटेरियल जिसमें किसी भी पॉइंट पे कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर यू विल गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन. लेट्स से सपोज दिस इज अवर मटेरियल. अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा E1, यहाँ पे मिलेगा E2, यहाँ पे मिलेगा आपको E3. सिमिलरली अगर मैं लेट्स से पॉइंट बी में चले गया थी, हियर यू विल गेट E4, हियर यू विल गेट E5, हियर यू विल गेट E6. ये सर नो, इसका मतलब क्या है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट में कहीं भी चले हो, एवरीवेयर यू गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल. नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी. वट इज प्लास्टिसिटी एक्चुअली? सो प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेंट. प्लास्टिसिटी इज कन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी. ये इलास्टिसिटी का उल्टा होता है एंड द मटेरियल प्लास्टिक स्टेट इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड. मतलब जो हम मटेरियल में लोड अप्लाई करते हैं तो परमानेंटली डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है. एंड इफ आई रिप्रेजेंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देन सिंपली यू कैन से हियर वी कैन गेट लाइक दिस फिगर. यस आर नो? वी गेट लाइक दिस फिगर, लाइक दिस, करेक्ट? सो यू कैन सी हियर बिफोर दिस पॉइंट दिस इज इलास्टिक लिमिट, करेक्ट? तो यहाँ पे जो स्ट्रेन इंड्यूस हो रहा है दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन, दिस इज इलास्टिक स्ट्रेन. लेकिन इसके बाद जो आप स्ट्रेन देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक स्ट्रेन. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं इलोंगेट कर दूँ बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, लोड अप्लाई कर दूँ, तो जितना उसका डिफॉर्मेशन होगा आफ्टर अनलोडिंग वो सेम उतना ही शेप का बचेगा. दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल. सो एवरी इलास्टिक मटेरियल पजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. अंडर द एक्शन ऑफ लार्ज फोर्स मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स गेट डिफॉर्म इन अ प्लास्टिक रीजन एंड सम ऑफ द मटेरियल कैन डिफॉर्म इन द विस्कस इलास्टिक फ्लूइड. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल विच आर अंडरगोज इलास्टिक इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दिस द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी. मतलब कोई जो मटेरियल इलास्टिक जोन के बाद इन इलास्टिक प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करे उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एंड व्हेन लार्ज डिफॉर्मेशन ऑकर्स डक्टाइल मटेरियल लोडेड द प्लास्टिक रीजन द मटेरियल इज सेट टू बी अंडरगॉन प्लास्टिक फ्लो. मतलब अगर हम जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट अगर हम लोड अप्लाई करें तो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एंड प्लास्टिसिटी इज यूजफुल इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर्स यूटिलाइजिंग द अल्टीमेट स्ट्रेंथ. यहाँ पे आप देख रहे हो दिस पॉइंट जो पीक पॉइंट है जहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा. तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलती है दिस इज कॉल्ड एस UTS. क्या बोलते हैं इसको हम? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. क्या कहते हैं इसे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. और इस पॉइंट को कहते हैं हम नेकिंग. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एस नेकिंग. मतलब जो सैंपल का हम टेस्ट करते हैं उसमें नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एस फ्रैक्चर पॉइंट. This point is called as fracture point. Is it clear? Okay. So next property you can see that is ductility. Ductility means it is the ability of a material to withdraw in the form of wire. किसी material को अगर हम deform करके wire form में convert कर सके, that property is called as ductility of the material. Is it clear? Ductility is the characteristic which permits material to be drawn in longitudinally and reduce section. And one more thing, याद रखना, in ductility we always apply tensile load. क्या apply करते हैं? Tensile load. It is the ability of a material to deform in the form of wire under the action of tensile load. Is it clear? जब tensile load apply करोगे तभी ये आपको वायर के फॉर्म में मिलेगा. एंड डक्टाइल मटेरियल पजेस हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ. डक्टिलिटी इज मेजर इन ऑफ द टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन. जब हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं तब हमें जाके डक्टिलिटी पता चलती है कितना परसेंट मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है. यस आर नो? एंड एक और प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, साथ में अगर हम कह दें दैट इज मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि अ मटेरियल विच कैन विड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ
इन द फॉर्म ऑफ सीट. अगर सीट के फॉर्म में हम उसको डिफॉर्म कर सकें देन दिस इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी. एंड ऑब्वियसली इट हैपन्स व्हेन वी अप्लाई कंप्रेसिव लोड. जब मटेरियल को कंप्रेस करते हैं तो मटेरियल सीट के फॉर्म में डिफॉर्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन सी हियर, दैट इज ब्रिटलनेस. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटलनेस? देखो, ब्रिटलनेस इज नॉट अ सच प्रॉपर्टी. ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज जस्ट मेजर वेदर योर मटेरियल गेट परमानेंटली डिफॉर्म और नॉट. मटेरियल मतलब आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बताता है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रिटलनेस मीन्स इट इज नथिंग बट इफ अ मटेरियल कैन फेल विदाउट गिविंग सिग्निफिकेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन. कोई भी मटेरियल जिसमें अगर मैं लोड अप्लाई करूं और उसमें परमानेंट सॉरी उसमें फेलियर हो जाए विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और वो लिमिट क्या है? सिंपली हम कह सकते हैं परमानेंट ए प्लास्टिक स्ट्रेन इफ यू कैन सी इफ प्लास्टिक स्ट्रेन परसेंटेज स्ट्रेन, और ये कौन सा होगा, प्लास्टिक स्ट्रेन इज लेस देन 5%, देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल. देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल. देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल. अगर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पर 5% से कम हो रहा है तो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है. इफ परसेंटेज इलॉन्गेशन और परसेंटेज स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%, देन इट विल बी कंसिडर एज डक्टाइल मटेरियल. तब इसे हम क्या कहेंगे, डक्टाइल मटेरियल. This is the major whether your material is ductile or brittle. Yes or no? So a material is said to be brittle when it can draw a wet intermediate drawn out by the tension a smaller section. In a brittle material, failure takes place without significant deformation. Simply, you can say a material is said to be brittle when it deform, when it fails without significant plastic deformation. This is called as brittle material. And brittle fracture takes place without warning. Brittle fracture कैसा होता है? वो warning नहीं देता है, direct fail हो जाता है. And hence its property is highly undesirable. This property is highly undesirable property. जैसे और इसके categories में क्या आते हैं, cast iron, high carbon steel, concrete, stones, yes or no? ये सारे क्या कहलाते हैं, these are called as brittle material. They have extreme brittleness, yes or no? And if I talk about its stress versus strain diagram, then you can see here we can get like this. Actually this is, ये जो diagram है अगर मैं कहूँ तो this is not perfectly right. You can see if I draw stress versus strain diagram for brittle material, then simply you draw like this. Is it clear? It fails like this. Correct? It indicates the percentage strain is very, very less. Yes or no? Correct. This indicates the percentage strain is very, very less. So this is a stress strain curve for brittle material. Generally, books में आप इस तरीके से देखोगे काफी चौड़ा. ये बता रहा है 1 kilometer का strain. This is not possible in ductile material, sorry, brittle material. Is it clear? Yes, कह सकते हो. This is a fracture point. Yes or no? But this is not 100% correct. अगर आपको correct diagram draw करना है, you should ensure your scale. इस तरीके से होना चाहिए. बहुत कम deformation होगा and then it will fail. Yes or no? यहाँ पे देखो इसके corresponding strain क्या है? This is very less. यहाँ पे जो strain मिल रहा है, this is very less. Yes or no? This strain is very less. जबकि ductile material की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे deformation कैसा मिलेगा? You can see very huge amount of strain. Yes or no? Correct? So I think you can understand. What is the stress strain diagram for brittle material? Yes or no? Is it clear? So let's, you can see toughness. Yes. How to define toughness? And before, yes, malleability. Yes, we have malleability. So what do you mean by malleability? Already I told you, it is the ability of a material to withdraw in the form of seed. The property of the material by which permits material to extend it in the direction without rupture. Malleable materials are having high degree of plasticity, great strength properties, utilizing forging and hot rolling, etc. दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं. अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊँ तो कोई भी मटेरियल मेलेबल कब कहलाता है, जब इसको हम डिफॉर्म करके सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. और सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कब होता है, जब हम उसको कंप्रेसिव लोड अप्लाई करें. तो दो पॉइंट याद रखना. इट इज सिंपली इफ आई से इट इज द एबिलिटी It is the ability of a material to draw in the form of seat when it is subjected to When it is subjected to compressive load. Yes or no? When it is subjected to compressive load. Is it clear? दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये मुझे बताओ. Malleability क्या कहलाता है? It is the ability of material to withdraw in the form of seat.
एंड वेर इट विल बी कन्वर्टेड वेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड. ये दो पॉइंट याद रखना, सीट के फॉर्म में बनाना और कंप्रेसिव लोड अप्लाई करना, यही कहलाता है अवेलेबिलिटी. एंड नेक्स्ट, वॉट अबाउट टफनेस? सो यू कैन सी हियर, इफ आई टॉक अबाउट टफनेस, सो यू कैन सी इन दिस फिगर, टफनेस इज नथिंग बट दिस इज एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्रायर टू फ्रैक्चर. तबाह होने से पहले कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लिया मटेरियल ने, दैट इज कॉल्ड एज टफनेस. सो यू कैन सी, लेट्स से सपोज वी हैव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, सो ऑब्वियसली इफ आई टेक टोटल एरिया इंक्लूडिंग इलास्टिक जोन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज टफनेस. And obviously it is not directly measured, yes or no. So toughness को हम generally represent करते हैं modulus of toughness से. तो याद रखना, area under the stress strain diagram हमेशा modulus of strain energy देगा, and this is called as modulus of toughness. क्या देता है? This is modulus of toughness. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर का एरिया हमेशा मॉडुलस ऑफ टफनेस देता है. सारी स्ट्रेन एनर्जी, चाहे वो रेजिलियंस हो, टफनेस हो, स्ट्रेन एनर्जी कुछ भी हो, सब कुछ मॉडुलस के फॉर्म में मिलेगा. इज इट क्लियर? So you can see if I talk about high carbon steel and mild steel, correct? और यहाँ पे एक और drawing है, अगर मैं draw करूँ, this is medium carbon steel. Is it clear? This graph indicates medium carbon steel. Let's say once again I'm drawing this. This is medium carbon steel. Now I'm drawing this figure with red color. Okay, so yes. Okay, no issue. So you can say this is curve for a medium carbon steel. This is high carbon steel, and this is low carbon steel. Low carbon steel. Yes or no? Low carbon steel. Is it clear? So अब आप देखो, अगर मैं इन तीनों में compare करूँ, तो एक बात हमेशा याद रखना इन तीनों में, कि जो मीडियम कार्बन स्टील होता है, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल, करेक्ट, वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल. हाई कार्बन स्टील में हमेशा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, हाई कार्बन स्टील में हमेशा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. मीडियम कार्बन स्टील में आपको टफनेस ज़्यादा मिलेगा. लो कार्बन स्टील में आपको डक्टिलिटी ज़्यादा मिलेगी. लो कार्बन स्टील में हमेशा डक्टिलिटी ज़्यादा मिलेगी. तो ये तीनों पॉइंट याद रखना, मीडियम कार्बन, लो कार्बन एंड हाई कार्बन में ये बेसिक डिफरेंस होता है. हाई कार्बन स्टील इज हैविंग वेरी हाई स्ट्रेंथ, मीडियम कार्बन स्टील इज हैविंग हाई टफनेस, एंड लो कार्बन स्टील इज हैविंग हाई डक्टिलिटी. इज इट क्लियर? हाई डक्टिलिटी, ये रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना. इज इट क्लियर? तो टफनेस किसकी ज़्यादा होती है? लो मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील में, मीडियम कार्बन स्टील. स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? हाई कार्बन स्टील की. डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? लो कार्बन स्टील की. ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो लेट्स से व्हाट अबाउट हैंड, वन मोर थिंग, इफ आई टॉक अबाउट टफनेस, देन हाउ यू मेजर टफनेस. सो टफनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास इम्पैक्ट टेस्ट होता है, यस आर नो? आपसे पूछा जाएगा कैसे मेजर करोगे, इम्पैक्ट टेस्ट से मेजर करेंगे. इम्पैक्ट टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप नाम बताओ, आइजोटाइप होगा और दूसरा क्या होता है, चारपी. ये दो टेस्ट के नाम है, आइजोटाइप एंड चारपी टेस्ट. इनकी हेल्प से हम इम्पैक्ट टेस्ट को मेजर, सॉरी टफनेस को मेजर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो दोनों टफनेस मेजर करते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती है, तो आंसर दोगे जूल. ये हमेशा एनर्जी के फॉर्म में मेजर करते हैं, जिसे हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सार नो. सो दिस इज लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट टफनेस. एंड लेट्स सी another property, that is hardness. What is hardness? Hardness is nothing but this is resistance against scratch or indentation. कोई भी material कितना easily, कितना ज़्यादा resist कर रहा है scratch को और indentation के लिए, that is called as hardness. Is it clear? And it is measured by scratch test or indentation test. Next, hardness number, it is determined based on the load required to make scratch or a given width and the width of the scratch made by the given load. So we have several method for measuring hardness. We have Brinell hardness, Rockwell hardness, Vicker hardness, we have Knoof hardness and so many things. अभी तो बहुत सारे नाम मुझे भी याद नहीं है, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं. और यहाँ पे जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड BHN लिखा है, मतलब Brinell हार्डनेस टेस्ट बता रहा है. और Brinell हार्डनेस नंबर को अगर हम फाइंड आउट करना है तो कैसे पता करेंगे? P इज द लोड, D इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन, D इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन एंड स्मॉल D इज द डायमीटर ऑफ इंडेंट, करेक्ट. यहाँ पे देखो,
स्मॉल डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ इंडेंट. इंडेंट मतलब जब हम इंडेंटर से प्रेस करते हैं मेटल को तो वहाँ पे एक मार्क बन जाता है, उस मार्क को हम कह देते हैं इंडेंट. और डायमीटर ऑफ स्टील बॉल जिसकी हेल्प से हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं उसे कहते हैं हम डायमीटर ऑफ स्टील बॉल. करेक्ट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुला यू कैन इजिली डिटरमिन ब्रिनल हार्डनेस नंबर, दैट इज पी फोर्स अपॉन पाई डी बाई टू इन ब्रैकेट डी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट स्ट्रेंथ. वट इज स्ट्रेंथ? This is again very important term, strength. Strength is the nothing but this is the ability of a material. ये क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट द मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर. कोई भी मटेरियल कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू को रेजिस्ट कर सकता है विदाउट फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ. और फेलियर कौन सा हो सकता है? इट डिपेंड्स डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर. यस आर नो? इट डिपेंड्स डिफरेंट मोड ऑफ फेलियर. यहाँ पे इलास्टिक फेलियर भी हो सकता है, प्लास्टिक फेलियर हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, कई तरीके के फेलियर से मोड हो सकते हैं. यस आर नो? एंड लेट्स सी नाउ यू कैन सी That is factor of safety. This is nothing but this is actual strength upon required strength. अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ. देखो factor of safety क्या कहलाता है? It is the ratio of मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है मटेरियल की. जब हम यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, लेट्स से वाई यील्ड स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो वो यील्ड स्ट्रेंथ एस वाई टी डिवाइडेड बाई क्या, हम किस स्ट्रेंथ पर डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अवर डिजाइंड स्ट्रेस. यहां पे हम क्या लिखेंगे, लेट्स से दिस इज डिजाइन. करेक्ट. दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ एस बाई टी. दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दिस इज डिजाइड, जिसके बेसिस पर हम डिजाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. एंड ऑब्वियसली डिजाइंड स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन एस बाई टी, दैट्स वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. इज इट क्लियर? करेक्ट. समझ में आया कि नहीं? दिस इज द मैक्सिमम. इसे हम कह सकते हैं फेलियर स्ट्रेस. दिस इज कॉल्ड एज फेलियर स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज डिजाइन स्ट्रेस. फेलियर स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और आपको पता चल गया कि जब मैं यूनिक्सल टेंसाइल टेस्ट करता हूँ तो मटेरियल ऑब्वियसली एस वाई टी के बाद परमानेंट डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाता है, तो मेरा ये जो एस वाई टी मिलता है दैट इज कॉल्ड एज योर यील्ड स्ट्रेंथ. और उसके बियॉन्ड अगर डिफॉर्मेशन हो गया तो हम उसको फेलियर कंसीडर कर लेते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट. यस आर नो? करेक्ट. नेक्स्ट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. दिस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज नथिंग बट इफ यू ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन डायग्राम, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डायग्राम. इज इट क्लियर? सो इस कर्व का जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. यस आर नो? करेक्ट. हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन भी ड्रॉ कर सकते हैं. इज इट क्लियर? और यहाँ पे भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है. टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, टाउ इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ गामा, सो जी इज नथिंग बट दिस इज टाउ बाई गामा. यस आर नो? दिस इज कॉल्ड एज शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. जी को क्या कहते हैं? शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट दिस इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू गेट यूनिट रेडियंस शियर स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए हाउ मच शियर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज शियर मॉडुलस. यस आर नो? दैट इज कॉल्ड एज शियर मॉडुलस. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट बल्क मॉडुलस, सो बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट दिस इज डायरेक्ट स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस. रिमेन, अब इसको याद रखना दोस्तों, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रो स्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस. ये सिर्फ कहाँ पे अप्लीकेबल है? जब हमारे मटेरियल में हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एक्ट हो. हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस अलोंग एनी तीनों ही डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस आपकी सेम लग रही है देन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, या इसी को कहते हैं हम स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्फेरिकल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और इसी कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस. तो जो बल्क मॉडुलस आपने ये देखा है रिलेशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस काइंड ऑफ लोडिंग. इसके अलावा कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस. नेक्स्ट है पॉइजन्स रेशियो. व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो?
Poisson's ratio is nothing but it is the ratio of lateral strain to the long terminal strain. Lateral strain or long terminal strain ka ratio kehlata hai Poisson's ratio. And here we have negative sign. Negative sign batata hai ki let's say suppose you have a two dimensional object. This is length and this is width. And if it is subjected to a load P like this, then due to this load the member get deformed like this. It's elongated. Iski length to badh jayegi, lekin length ke badhne ke saath saath इसकी जो विड्थ है इट विल रिड्यूस. विड्थ क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है. दिस इज ओरिजिनल विड्थ एंड दिस इज फाइनल विड्थ. तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करोगे मेटल इलोंगेट होगा तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन विड्थ इसका डिक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्ग टर्नल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर की होती है. उस अपोजिट नेचर को कंसिडर करने के लिए हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव साइन यूज कर लिया. यस आर नो? सो पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट दिस इज लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्ग टर्नल स्ट्रेन. एंड नाउ यू कैन सी इफ आई टॉक अबाउट कि इसकी जो वैल्यू है इसकी लिमिट क्या है, देन यू कैन सी हियर. अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो म्यू जो होता है दिस इज जीरो. किसके लिए होता है? कॉर के लिए. कॉर के लिए जीरो. और म्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम जो होता है दैट इज वन बाई टू. ये किसके लिए होता है? रबर के लिए. तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देखो ये लिमिट है. दिस इज अ लिमिट. इट मीन्स म्यू इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू वन बाई टू. इज इट क्लियर? तो ये तो लिमिट हो गया. अब अगर मैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स की बात करूँ तो इसकी वैल्यू जो वेरी करती है 0.25 से लेके 0.42 तक. और जो स्टील की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 होता है. कंक्रीट की अगर हम बात करें तो 0.1 से 0.2 तक की वैल्यू होती है. यस आर नो? तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद होना चाहिए पॉइजन्स रेशियो की. इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा. यहाँ पे यू कैन सी लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेन. तो स्ट्रेन दोस्तों दो तरीके की होती है. कौन कौन सी स्ट्रेन होगी? एक होगा नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा होता है सीयर स्ट्रेन. दूसरा क्या होता है? सीयर स्ट्रेन. यस आर नो? आपने ये सभी ने पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल स्ट्रेन होता है दूसरा सीयर स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन भी तीन तरीके का होगा. कौन कौन सा होता है? यू कैन सी हियर. फर्स्ट वन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल याद रखना. लॉन्गिट्यूडनल वह स्ट्रेन होती है जिस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं. और जिस अक्रॉस द अप्लाइड लोड द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन. एंड दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तीनों ये इतने चार तरीके की स्ट्रेन होती है. जो मैं बताने वाला था वो पॉइंट क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए आपको यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी. लैटरल स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए पॉइजन रेशियो की जरूरत पड़ेगी. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए बल्क मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी. और सीयर स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए सीयर मॉडुलस की. तो आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है कि यंग्स मॉडुलस किसके लिए रिक्वायरमेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, लैटरल स्ट्रेन किसके लिए, पॉइजन रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके लिए, बल्क मॉडुलस. और सीयर स्ट्रेन के लिए हमें जी की जरूरत पड़ेगी. बिना इन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के इन स्ट्रेस को आप थ्योरेटिकली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. इसलिए इन कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. करेक्ट? सो एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट लेट से इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. सो यू कैन सी जिस डायरेक्शन में आप लोड अप्लाई कर रहे हो. अगर मैं सपोज कहूँ कि यू कैन सी दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन. तो अगर मैं स्ट्रेन कहूँ जेड डायरेक्शन में, चूंकि जो लोड है ये लोड एक्ट हो रहा है अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन. सो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा दैट इज सिग्मा जेड अपॉन ई. दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट होता है उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. यस आर नो? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन अलोंग एक्स कहूँ या स्ट्रेन अलोंग वाई कहूँ, ये दोनों लेट्स से स्ट्रेन अलोंग एक्स तो ये क्या कहलाएगा? माइनस म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज सिग्मा अपॉन ई. दिस इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन. क्या कहते हैं इसको हम? दिस इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन अक्रॉस द अप्लाइड लोड. लोड अप्लाई करने के अक्रॉस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन इंड्यूस होती है उसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं. सिमिलरली ई वाई इज ऑल्सो अ लेटरल स्ट्रेन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा अपॉन ई. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन. यस आर नो? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया. जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करो उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे. उसके अक्रॉस जो स्ट्रेन होती है दैट इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन. यस आर नो? और अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस इज लेंथ, दिस इज थिकनेस एंड दिस इज विड्थ. तो जो डेल्टा एल बाई एल है
delta L by L है, this is called as longitudinal strain, and similarly delta P by B है, this is called as lateral strain along x direction, और जो delta T by T है, this is also called as lateral strain along the thickness, yes or no, correct? तो इस तरीके से आप तीनों strains को represent कर सकते हो, and with the help of these relations, you can easily determine all kind of strain. And now if I talk about volumetric strain, so volumetric strain is nothing but it is sum of all three strains, EX plus EY plus EZ. तीनों डायरेक्शन की टोटल स्ट्रेस को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन को आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. येस आर नो. ओके, सो नाउ इन दिस सेशन आई कवर्ड some elastic properties of the material along with what is stress, what is strain, their relation, Hooke's law, correct? So ये कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया, एंड इवन समथिंग अबाउट स्ट्रेन ऑल्सो आई कवर्ड, करेक्ट? सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. सो इन सिमिलर वे आने वाले इस टाइम पे हम इसके कंटिन्यूस सीरीज को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इसको देखते रहिए. डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एंड स्पेशली उन एग्जाम्स के लिए जो आप स्टेट इंजीनियरिंग स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि इनका जो टाइम होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, करेक्ट? ये अचानक से एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, विद इन 2 to 3 months और 4 months एग्जाम हो जाता है, एंड दैट टाइम इज नॉट इनफ टू रिवाइज होल थिंग्स, सारा का सारा सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो इस सीरीज की हेल्प से डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, एंड एट द एंड आई ऑल्सो टेलिंग वन थिंग कि आप इस सेशन को देखिए और साथ में हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसे लगा. अकॉर्डिंगली हमारी जो टीम है इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, और हम उसको उसी आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते जाएंगे, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड हो सके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.